सो हे मॉर्निंग व्हाट्सअप। सो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं व्लॉग बनाने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। एक मिनट, बिकॉज जो साइकिल बना रहा है ना, उसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में जो साइकिल बनाने वाला है, जिसका नाम है जश या फिर यश, आप जो भी कहो। लेकिन अभी तक तो बादल जमना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं उधर की तरफ। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बादल हैं, और इस तरफ के बादल नहीं, इस तरफ के बादल ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा टाइम लैप्स भी लेने के लिए कोशिश करूँगा, तो चलो टाइम लैप्स, लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स इन 3, 2 एंड 1। आई डोंट नो टाइम लैप्स कैसा आया होगा, लेकिन मैं टाइम लैप्स लिया तो अच्छा हुआ है तो डाल दूंगा, वरना नहीं डालूंगा। लेकिन अभी तक तो सुबह तो बहुत मौसम बिगड़ गया था, लेकिन अभी ठीक हो चुका है, इतना ठीक हो चुका है कि दूर दूर तक दिख रहा है। अगर मौसम बिगड़ जाता और बादल रहते तो दूर दूर तक नहीं दिखता। सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे दो ये जो दिख रहा है ना टावर के जैसा, वो दिख रहा है। यहाँ से धुआं उड़ रहा है, मतलब वो एक फैक्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, वहाँ से भी दिख रहा है। मतलब ये बहुत दूर है, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर होगा ये दिख रहा है। लेकिन अभी तक तो मौसम बहुत ही बढ़िया है, इस तरफ भी देख सकते हो मौसम तो बहुत ही बढ़िया है। और न्यूज़ में भी कहा जा रहा है कि इधर ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है नहीं, बिकॉज हम वेस्ट बंगाल के एकदम ऊपर पोजिशन में रहते हैं, जहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तो चलो नीचे चलते हैं, इसको भी पहले रैप कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मतलब दिख रहा है कि कुछ तो हो रहा है कहीं पे, तो कुछ तो हो रहा है, वो तो दिख रहा है टेम्परेचर और वेदर से ही। वेदर तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे वेदर हर रोज़ मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये व्लॉग मैं 3-4 दिन तक कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मुझे पूरा ये जो है इस एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद ही मैं डालूंगा। बीच में मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियो डाल के, मतलब बना के डाल दूंगा, वही होने वाला था, व्लॉग होने वाला ही नहीं था एक्चुअली। The next day. So hey morning. So this is the next day basically. और आज भी सुबह बारिश हुआ, लेकिन as such कुछ destructive things नहीं हुआ। अभी भी हवा बहुत तेज चल रहा है, बहुत नहीं मतलब तेज चल रहा है, और बारिश अभी तक रुक चुका है, इसलिए मैं इधर आके टेरेस पर आके वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बहुत जगह न्यूज आ रहा है, वीडियोज आ रहे हैं, वो इसके बाद मैं प्ले कर दूंगा। इधर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा बस हवा तेज चल रहा है वो तो आपको पता ही चल रहा है, और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जहाँ जो होना था वी आर सो, वहाँ तो वो हो गया, लेकिन वी आर सो लकी दैट वी आर सेफ एंड साउंड। बट देर आर सम अनलकी प्लेसेस वेयर पीपल आर नॉट सेफ, सो लेट्स प्रे फॉर देम। नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देम, बट ये नेचुरल कैलेमिटी है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ओनली टू प्रे फॉर देम। सो लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड, वेयर आई विल प्लेसेस का भी नाम मैं डाल दूंगा नीचे, तब देखना। सो हे गाइस, मैंने day 3 और day 5 स्किप कर दिया, बिकॉज day 3 में कुछ भी नहीं था। day 3 में मैंने कुछ अराउंड थोड़ा बारिश हुआ और थोड़ा हवा चला, बस थोड़ा ज्यादा देर के ना, हवा तो पूरा दिन चला था, लेकिन बारिश थोड़ा हुई, आधा एक घंटा हुआ। और day 4 में सिर्फ हवा चला सुबह की तरफ, शाम तक पूरा क्लियर हो चुका था। और day 5 में क्लियर एंड क्लीन एंड क्लियर स्काई है, थोड़े उधर बादल हैं लेकिन बंद हो चुका है। वो साइक्लोन ईयर्स जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा था, वो तो नहीं है अब, तो लकीली वी आर सेफ एंड साउंड, इसलिए वीडियो आप लोगों तक आया है। लेकिन अनलकीली बहुत लोग सेफ एंड साउंड नहीं है, सो लेट्स प्रे फॉर देम। अगर आप उन लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करना, मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोग लकीली सेफ एंड साउंड नहीं है, उन लोग के लिए हेल्प करना तो पड़ेगा ना, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प देम। सो इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। शावा खैर, बाय बाय।